जीत फिक्स। जब तुम किसी इंसान से सच बोलो और बदले में तुम्हें सुनने को मिले कि भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ, तुम मेरे लिए मर गए हो, भाड़ में जाओ, तुम इसी लायक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, अभी साबित करो कि तुम सही हो। जब पूरी दुनिया एक साथ ऊंची आवाज में तुम्हें बोले कि भाड़ में जाओ, तो भी तुम चुप रहना, क्योंकि तुम 50,000 लोगों के बीच में खेलने वाले क्रिकेटर हो। देखने वालों का काम है चिल्लाना, तुमने अगर रिएक्शन दी तुम्हारा विकेट खो जाएगा। वो तुम्हें भाड़ में जाने को बोले तो इग्नोर करना, तुम्हें अच्छा बताए तो भी मत चढ़ना, तब भी विकेट खो दोगे तुम। तुम्हें घटिया बताए तो मत रोना, बाउंसर हिट कर देंगे, क्योंकि तुम जिंदगी के पिच पर तुम्हारी चुनौतियों के खिलाफ वर्ल्ड कप खेल रहे हो और इस गेम में तुम अकेले बैट्समैन हो। कदम कदम पर आउट करने की अपील करने वाले बहुत सारे लोग हैं, कदम कदम पर मेंटली टॉर्चर करने वाले बहुत हैं। ऑडियंस में कोई भी तुम्हारे पक्ष में नहीं है, लेकिन इस गेम में सिर्फ दो लोग ईमानदार हैं, एक तुम और एक वो जो कहीं दूर से बैठ के इस गेम को जज कर रहा है। वो सही को सही बताएगा और गलत को गलत। तुम उसके गलत को सही नहीं कर सकते, उसके सही को गलत भी नहीं कर सकते। जो उसने डिसीजन लिया वो सबको मानना पड़ेगा, और वो है इस गेम का एम्पायर, जो खुद खुदा है, जो तुम्हें तब तक आउट नहीं बताएगा जब तक तुम हो नहीं जाते, वो जब तक तुम्हें विजेता नहीं बनाएगा जब तक तुम बन नहीं जाते। जब तुम इतने सारे लोगों के खिलाफ नर्वस रहोगे तब भी वो तुम्हें देखेगा, फिर जब तुम चुनौतियों की हर एक लहराती गेंद को अपनी छाती पर टकराने से पहले ही रोक लोगे तब भी वो तुम्हें देखेगा। तब उसको एक हल्का एहसास होगा कि यार इस बंदे में कुछ है, जो उन लोगों को जो इसको भाड़ में जाने के लिए बोल रहे हैं उनको ये बात से नहीं अपने एक्शन से जवाब दे रहा है, अपनी कठोर मेहनत से जवाब दे रहा है। लोगों की भाड़ में भेजने वाली आवाज अब भी तुम्हारे कानों में गूंज रही होगी। अगर तुम्हारी हिम्मत ना हो उनको देखने की तो मत देखना उनको, अगर तुम्हारा मन ना हो उनको देखने का तब भी मत देखना, लेकिन चुनौती की, डर की, ललकारने की हर एक गेंद का जवाब देना अपनी सोची जी सटीक बैटिंग से। मैदान का तापमान 50 डिग्री भी हो तब भी मत रुकना, तेज सरसराती हवाएं भी चल रही हो तब भी ध्यान सिर्फ चुनौतियों पे होना चाहिए। धीरे धीरे तुम्हारे पैर जिंदगी की पिच पर जमना शुरू हो जाएंगे, लेकिन दर्शकों की नजरों में अब भी तुम खटक रहे होंगे, लेकिन वो दूर बैठा हुआ एम्पायर तब तक तुम्हें अपनी आंखों में थोड़ी सी जगह दे चुका होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अब भी हारे हुए इंसान को विजेता का नाम दे देगा, उसकी नजरों में अब भी जीत का मतलब जीत है, हार का मतलब हार है। अब भी तुम्हें अपनी ही हिम्मत से काम लेना है। धीरे धीरे तुम आगे आने वाली बॉल का अंदाजा लगाना शुरू कर दोगे, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ बॉलिंग करने वाले कुछ सिलेक्टेड लोग ही होंगे। तुम पहले से ही अपने आप को उस पोजीशन में ले आओगे जहां पर वो चुनौती की बॉल आने वाली है। बहुत समय बाद तुम्हारी एक बाउंड्री लगेगी, तुम्हें भाड़ में भेजने वालों को सांप सूंघ जाएगा, जैसे मानो उनकी जिंदगी के मैदान में कोई बम फूट गया हो, उनके घर शायद उस दिन जलन की वजह से खाना नहीं बनेगा। तब तुम एक लंबी सांस भरना और बोलना कि अभी तो बस शुरुआत है, मेरा मुकाबला मुझे भाड़ में भेजने वालों से नहीं, मेरा मुकाबला तो मेरी हाथों की लकीरों से है, जिनको बनाने वाला भी आज मेरे बारे में सोच तो रहा होगा कि जिंदगी के खिलाड़ी में दम है। जब भी कोई बोल आए लोगों के शोरगुल से हटकर अपने आप पर ध्यान देना, हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान देना। बीच में कई दौर आएंगे जब तुम्हें कुछ गेंदे जांग पर, हाथ पर, दिल पर हिट करेगी, वो जब जब तुम्हें हिट करे तब तब तुम अपने आपको एक छक्का लगाने के लिए तैयार करना। वो जितना तुम्हें दर्द पहुंचाएंगे उतनी ताकत से तुम मेहनत करना, और फिर अचानक से एक गेंद तुम्हें अपने मुंह पर आती हुई सी महसूस होगी, और वो होगी लोगों का अचानक तुम्हारे ऊपर आरोप लगा देने की, लोगों का तुम्हारी बुराई फैलाने की, लेकिन तुम सिर्फ गेंद पर नजरें गड़ाए रहोगे और अपने आप को पहले से ज्यादा ताकत अंदर से दोगे कि अगर इस गेंद का जवाब मैंने नहीं दिया तो ये आवाजें मेरे कान चीर देगी। तब तुम अपनी पूरी मेहनत लगा के बल्ले को हवा में घुमाना और गेंद को जवाब मिल जाएगा, गेंद सीधी तुम्हें भाड़ में भेजने वालों के मुंह में जाकर गिरेगी और वो लोग